स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। पूजा सिंह ने ठाकुर जी से शादी रचाई है, पॉलिटिकल साइंस से एमए कर चुकी है। 30 वर्षीय पूजा ने ऐसा रास्ता क्यों चुना है और ऐसा दूल्हा क्यों चुना है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा पूजा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिखा है, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, घटना है राजस्थान के जयपुर की, जहाँ पे राजस्थान के जयपुर जिले के गोविंदगढ़ के पास है नरसिंहपुरा के मंदिर में ठाकुर जी के साथ विवाह किया है। इस शादी में मेहंदी, वरमाला से लेकर कन्यादान व विदाई तक की सारी रस्में निभाई गई है। पूजा सिंह भी दुल्हन की तरह सजी है। शादी में पिता नहीं आए तो मंडप में उनकी जगह तलवार रखी गई है। पूजा सिंह ने बताया कि ठाकुर जी से शादी करने का फैसला उसने खुद लिया था, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है। हालांकि शुरुआत में उसके इस फैसले पर परिवार, रिश्तेदार और समाज सहमत नहीं हुए, पिता नाराज हो गए, शादी में भी नहीं आए। मगर मां रतन कंवर ने बेटी के फैसले का सम्मान किया और खुद की मौजूदगी में बेटी की धूमधाम से शादी करवाई है। पूजा सिंह के पिता प्रेम सिंह मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। पूजा ने राजनीतिक विज्ञान में एमए तक की पढ़ाई की है। पिता प्रेम सिंह मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। पूजा के 3 छोटे भाई हैं, अंशुमान, शिवराज और युवराज सिंह, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और पापा की शादी में नहीं आने का पूजा को काफी दुख है। माता पिता की सारे रस्में मां ने निभाई है। पूजा कहती है कि उसने बचपन से देखा है कि पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, जिनकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। कई मामलों में महिलाओं की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। ये सब देखते और समझते पूजा ने ताउम्र किसी लड़के से शादी नहीं करने का फैसला किया है। शादी लायक होने पर परिवार दोनों ने कई रिश्ते दिखाए हैं, मगर पूजा ने हर बार मना कर दिया। पूजा ने जब ये फैसला बताया तो पूजा की माँ तो मान गई, लेकिन पिताजी नहीं माने। पूजा ने एक बार ननिहाल की तुलसी के पौधे को ठाकुर जी से विवाह कराया गया था, तब सोचा कि जब तुलसी का विवाह ठाकुर जी से हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। इस बारे में पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है, आप भी ठाकुर जी से शादी कर सकती है। इस फैसले पर माँ तो मान गई, लेकिन पापा राजी नहीं हुए। शादी में दोस्तों 300 लोगों को भोजन भी करवाया गया है। सामान्य शादी की सारी रस्में निभाई गई है, मंडप भी सजाया गया है और मंगल गीत भी गाए गए हैं। पूजा कहती है कि बढ़ती उम्र के कारण लोग उसे कुंवारी होने का ताना मारते थे। उसने ठाकुर जी से शादी की है, अब कोई नहीं कह सकता कि वह कुंवारी है। शादी के बाद ठाकुर जी की प्रतिमा को वापस मंदिर में विराजमान कर दिया गया है, जबकि पूजा अपने घर पर रहती है। कमरे में ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बनवा रखा है, जमीन पर सोती है, सुबह 7 बजे मंदिर में भोग लगाती है और सुबह शाम को आरती करती है। अपने इंस्टाग्राम पेज पे लिखा है कि मेरी तुलना मेरा से ना करें, शादी जरूर हुई है, पूरी रीति रिवाज से मैंने शादी की है, जो मंगल दोष का निवारण के लिए है, जो मीडिया वालों ने नहीं बताया है सच्चाई। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। शादी से पहले पंडित जी ने बोला था कि आपको विष्णु विवाह रीति रिवाज और मान सम्मान से करना होगा, तो सिर्फ मैंने पूरा सम्मान से किया है और मेरा दोष हट जाए इसलिए ये शादी की है मैंने। तो दोस्तों, ये थी पूजा सिंह के बारे में इनकी सच्चाई। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अन्य अपडेट और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।